जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप ही के अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, अगर आप भी टीए आर्मी मतलब टेरिटोरियल आर्मी में भर्ती होना चाहते हो तो यहाँ पर आपकी 2020 का जो भर्ती की शेड्यूल है वो यहाँ पे जारी हो चुका है। रैली शेड्यूल आपका जारी हो चुका है। सभी राज्यों की 2020 की रैली का जो शेड्यूल है दोस्तों वो यहाँ पर ऑफिशियली जारी कर दिया गया है टेरिटोरियल आर्मी के द्वारा। तो दोस्तों, अगर आप भी सेना में भर्ती होना चाहते हो और अगर आपकी एज 18 से 42 वर्ष है और आप 8वीं 10वीं या 12वीं पास हो तो यहाँ पर आपको सेना में शामिल होने का बहुत बड़ा मौका मिलने वाला है। तो दोस्तों, मैं सारी जानकारी आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करवाने वाला हूं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। दोस्तों, आप वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा, साथ में वीडियो लाइक जरूर कर दे और आप चैनल पर नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि आपको टीए आर्मी से रिलेटेड हर प्रकार की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलो दोस्तों, देखते हैं सारी जानकारी। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो ऑफिशियली नोटिफिकेशन में सबसे पहले बात करते हैं कौन कौन से सेंटर में भर्ती होगी, आपका रिक्रूटमेंट वेन्यू क्या रखा गया और रैली डेट क्या है और लोकेशन कहाँ आपकी रैली भर्ती कहाँ पर होने वाली है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम रिक्रूटमेंट जोन पेस्ट की बात करते हैं। जिस रिक्रूटमेंट जोन में जो जो राज्य आते हैं पेस्ट जोन में वो सारे यहाँ पर भर्ती देख सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले 15 मई 2020 का यूनिट यहाँ पर बात करते हैं 103वीं जो इन्फेंट्री सिकलाई रेजिमेंट है उसमें आपकी भर्ती होने वाली, जिसमें सोल्जर जीडी जिसमें 54 पद है, कलर्क के 4 पद और ट्रेड्समैन के 18 पद है। दोस्तों, ये आपकी रैली भर्ती होगी ये 22 अप्रैल 2020 से लेकर 1 मई 2020 तक होगी और आपकी भर्ती की लोकेशन है दोस्तों वो होगी आपके लुधियाना में, ये आपकी टी आर्मी की भर्ती होने वाली है। दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं यहां पर 162वीं जो इन्फेंट्री बटालियन है टीए की जेकलाई सेंटर में, वहां पर आपकी भर्ती होगी सोल्जर जीडी की जिसमें 24 पोस्ट है और कलर्क की 4 पोस्ट है जबकि टीडीएन ट्रेड्समैन की 18 पोस्ट है। कुल मिलाकर दोस्तों यहां पर बात करें तो 2 मई से लेकर 10 मई तक आपकी भर्ती चलने वाली है और ये आपकी भर्ती की लोकेशन है दोस्तों जेकलाई सेंटर है जो श्रीनगर में है, वहां पर ये आपकी भर्ती होने वाली है। दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं 157वीं जो इन्फेंट्री सिख रेजिमेंट है उसमें भी आपके टेरिटोरियल आर्मी की रैली भर्ती आ चुकी है। सोल्जर जीडी के 41 पद है जबकि कलर्क के 4 पद और ट्रेड्समैन के 18 पद है। दोस्तों, ये आपकी भर्ती होगी 6 मई से लेकर 15 मई 2020 के बीच में और ये होगी आपके बीडी बरई में। उसके बाद दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं 163वीं जो इन्फेंट्री बटालियन है सोल्जर जीडी की जिसमें 37 पोस्ट है, कलर्क की 4 पद है और ये आपकी भर्ती होगी 11 मई से लेकर 21 मई के बीच में और आपकी भर्ती की लोकेशन है वो है हैदरबैंग। दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं यहां पे जोन सेकंड की। दोस्तों, जोन सेकंड की बात करें तो यहां पर 120वीं जो इन्फेंट्री बिहार रेजिमेंट है उसमें टेरिटोरियल आर्मी रैली भर्ती आ चुकी है। जोन सेकंड की बात कर रहे हैं यहां पर सोल्जर जीडी के 58 पद है, कलर्क के 3 पद है और ट्रेड्समैन के 15 पद है। दोस्तों, आपकी भर्ती होगी 17 मई से लेकर 23 मई 2020 के बीच में, भर्ती की लोकेशन है वो है आपके भुवनेश्वर। नेक्स्ट बात करते हैं 114वीं जो इन्फेंट्री जाट रेजिमेंट है उसमें आपकी सेना भर्ती आ चुकी है टेरिटोरियल आर्मी प्रादेशिक सेना रैली भर्ती, जिसमें आपके सोल्जर जीडी के 44 पद रखे गए और कलर्क के 4 पद है और ये आपकी भर्ती होगी 15 मई से लेकर 23 मई तक। दोस्तों, भर्ती की लोकेशन है जो आपका है वो फतेहगढ़ में आपकी ये सेना रैली भर्ती होने वाली है। दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं इधर जोन थर्ड की। दोस्तों, जोन थर्ड की बात करें तो यहाँ पर 107वीं इन्फेंट्री है जो 11 ग्रेनेडियर है उसमें आपकी भर्ती होगी। यहाँ पर आपके सोल्जर जीडी के 36 पद रखे गए जबकि कलर्क की 1 पोस्ट और ट्रेड्समैन के 12 पद है। दोस्तों, आपकी भर्ती होगी वो होगी 19 मई से लेकर 26 मई 2020 के बीच में, भर्ती की लोकेशन है दोस्तों तेजपुर आसाम में आपकी सेना रैली भर्ती होने वाली है। दोस्तों, बात करते हैं 121वीं जो इन्फेंट्री बटालियन है ग्रेनेडियर राइफल उसकी भर्ती होगी, ये होगी आपके जिसमें सोल्जर जीडी के 26 पद है, कलर्क के 4 पद है और ट्रेड्समैन के 22 पद है। दोस्तों, आपकी भर्ती होगी वो होगी 22 मई से लेकर 28 मई 2020 के बीच में और भर्ती की लोकेशन रखी गई है नागालैंड में। दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट यहां पर बात करें तो नेक्स्ट आपकी भर्ती का शेड्यूल 107वीं जो इन्फेंट्री बटालियन है ग्रेनेडियर उसमें भर्ती है, जिसमें आपके सोल्जर जीडी के 36 पद है, कलर्क का 1 है जबकि ट्रेड्समैन के 12 पद है। भर्ती होगी आपकी 19 मई से 26 मई 2020 के बीच में और यह भर्ती होगी आपकी तेजपुर आसाम में। दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं जो 121वीं इन्फेंट्री बटालियन है ग्रेनेडियर राइफल उसमें आपके सोल्जर जीडी के 26 पद रखे गए, कलर्क के 4 पद है, ट्रेड्समैन के 22 पद है। आपकी भर्ती होगी दोस्तों 22 मई से लेकर 28 मई 2020 के बीच में और भर्ती की लोकेशन रखी गई है नागालैंड।
दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं 113वीं जो इन्फेंट्री बटालियन है राजरिप उसमें भर्ती आ चुकी है, जिसमें सोल्जर जीडी के 16 पद है, कलर्क के 2 पद है और ट्रेड्समैन के 14 पद है। दोस्तों आपकी भर्ती है वो 28 मई से 1 जून 2020 के बीच में होगी और भर्ती की लोकेशन है वो है बैंग दुबई, आपकी जो मिलिट्री स्टेशन है वहां पर आपकी ये सेना रैली भर्ती होने वाली। दोस्तों इधर बात करते हैं हम जोन फोर्थ की। दोस्तों जोन फोर्थ की बात करें तो यहाँ पर 109वीं जो इन्फेंट्री मराठा लाइट रेजिमेंट है उसमें आपकी ये भर्ती है, जिसमें 98 पोस्ट रखी गई है और सभी कैटेगरी की ये भर्ती है। 22 मई को ये रैली भर्ती होगी, इसकी लोकेशन है वो कोल्हापुर में ये सेना रैली भर्ती होने वाली है। जबकि 115वीं बीएन इन्फेंट्री महार लाइट रेजिमेंट है वो यहां पर सेना भर्ती लेने वाली है, जिसमें 64 पोस्ट है, आल कैटेगरी की यहां पर भर्ती होने वाली है। 27 मई को आपको ये रैली भर्ती होगी। रैली भर्ती की लोकेशन की बात करें तो ये होगी आपके बेलगांव में। नेक्स्ट बात करते हैं 122वीं जो इन्फेंट्री बीएन मद्रास रेजिमेंट है उसकी भर्ती होगी, जिसमें 67 पोस्ट रखी गई है, आल कैटेगरी की है और 1 जून को आपकी भर्ती होगी, ये होगी आपकी कन्नूर में। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों जो 123वीं इन्फेंट्री बटालियन है, जिसमें 37 पोस्ट है और ये अभी दोस्तों कन्नूर में ही आपकी भर्ती होने वाली है। तो दोस्तों आप देख सकते हो आपकी सेना रैली भर्ती का शेड्यूल आ चुका है, टीए आर्मी की सेना रैली भर्ती का जो शेड्यूल आ चुका है, सभी राज्य के अभ्यर्थी यहां पर भाग ले सकते हैं अपने जोन के हिसाब से। तो दोस्तों अगर आप इसी प्रकार टीए आर्मी की हर प्रकार की अपडेट चाहते हो तो आप चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले, ताकि आपको टीए आर्मी से संबंधित हर प्रकार के रिक्रूटमेंट की जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको टीए आर्मी से रिलेटेड भर्ती का पता ही नहीं चलता और भर्ती हो जाती है, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो आपको जो सेना रैली भर्ती है उससे रिलेटेड अपडेट आपको मिलती रहे। तो दोस्तों आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो वीडियो लाइक जरूर कर दे और चैनल पर आप नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले, ताकि आपको आगे आने वाली हर प्रकार की टीए आर्मी की रिक्रूटमेंट रैली की अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई खबर के साथ में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।